अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखिए कैरी का मुरब्बा बना रहे हैं। 1 kg कैरी लिए हैं, इसको छील लेना है। देखिए कैरी को छील लिए हैं। थोड़ी खट्टी मीठी रहना चाहिए कैरी, एकदम खट्टी नहीं रहना है। देखिए इसे ब्रकश करना है, ब्रकश हो गया है। देखिए गुठली को भी वेस्ट करना नहीं है, इसका शरबत बना सकते हैं। पानी डालकर रख दिए इसको। देखिए 1/2 किलो शक्कर लिए है, गुड़ लिए है। गुड़ को इस तरह फोड़ लेना है, गैस ऑन कर दिए। इसको ऐड करना है कैरी को, शक्कर ऐड करना है, गुड़ को भी ऐड करना है। आप लोग जितना मीठा खाते उतना ले सकते हैं शक्कर गुड़। हमारी कैरी मीठी थी थोड़ी। देखिए घी, असली घी ऐड करना है 2 चम्मच। देखिए और 1 चम्मच ऐड किए थे, टोटल 3 चम्मच ऐड किए हैं घी। देखिए हाथ चलाते रहना है। एक 20 मिनट तक पकाना है इसको। देखिए इलायची है, इसको बारीक पाउडर बना लेना है। 15 इलायची लिए हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स है, ये सूखे खजूर है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, चिरंजी है। देखिए नींबू ऐड करना है 2-3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। देखिए हो गया है। लास्ट में इलायची पाउडर ऐड करना है। गुड़ डालने से बहुत टेस्ट होता, गुड़ भी शक्कर भी। आप लोग भी ट्राई करिए ड्राई फ्रूट्स, अपने हिसाब से ले सकते हैं आप लोग। देखिए इलायची पाउडर डालने के बाद बस थोड़ी देर ही रखना रहता है, 1-2 मिनट बस। देखिए रेडी हो गया है माशाल्लाह। गैस ऑफ करना है। देखिए करी का मुरब्बा रेडी हो गया है माशाल्लाह, बहुत टेस्ट बना है ये रेसिपी। आप लोग भी ट्राई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।